तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चिपकता, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहरता, वरना घी आपको किसी भी तरह मोटा नहीं करता। अब घी में कई उपयोगी चीजें हैं, वो जोधपुर से आती हैं, जो वास्तव में रेतीली भूमि है। ऐसी जगह में घी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर घी में ये क्षमता है, आमतौर पर हमें इसे समझना चाहिए। आज हम इसे कई सारी चीजों के साथ मिला रहे हैं, घी और चीनी, घी और कार्बोहाइड्रेट और सब कुछ। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता था। विचार ये है कि वे जोधपुर से आती हैं और अगर वे दाल बाटी खाती हैं, घी में डूबी हुई इस दाल बाटी को आप घी के अलावा और किसी तरीके से नहीं खा सकते। इसे घी में सराबोर करना होता है, क्योंकि अनाज का रूखापन ही इतना है कि घी के बिना उस चीज का शरीर से गुजरना बहुत मुश्किल है। और घी के साथ पहला निवाला खाने का विचार यह है कि घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। और भारत में एक कारण ये भी है कि कई तरीकों से मिर्च भारत का मिजाज है, ठीक है? तो खास तौर से राजस्थान में मिर्च क्योंकि अगर एक ऊंट भी खाता है तो ये स्वादिष्ट होना चाहिए। तो वहाँ सच में मिर्च पर बहुत जोर दिया जाता है। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा है। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, दूसरी कई जगहों पर, जहाँ कहीं भी बहुत गर्म मसालेदार भोजन होता है, वहाँ घी खाना भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रहा है। उसे अलग रख दें तो घी का महत्व यह है कि ये आहार नली को साफ रखता है। देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक जरूरी पहलू ये है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं, अगर आप ये भी कहते हैं कि आप मानसिक रूप से परेशान है, तो वे आपके साथ पहली चीज, आपको रात में नींद नहीं आती, सबसे पहले वे आपकी सफाई करेंगे, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए साफ पेट का होना बहुत जरूरी है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चिपकता, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहरता। आज पेट का कैंसर, आंत का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरी तरह रोक सकते हैं, पर अगर एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन किया जाए तो ये घटना बहुत कम होगी। Right quality. I don't know what. और घी सही गुणवत्ता का ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता आज लोग कौन सा व्यवसायिक घी खा रहे हैं, पर अगर इसे उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे हैं। एक खास फायदा है, आप कह रहे हैं कि ये एक आयुर्वेदिक सम्मेलन है, मेरे ख्याल से मैं ऐसा कहने की स्वतंत्रता ले सकता हूँ। ये सिस्टम के भीतर आभा को बढ़ाता है, कोशिकीय आभा ऊंची उठेगी And you will have और आपका सिस्टम ज्यादा जीवंत हो उठेगा, जो कि लोगों के साथ आपके व्यवहार में प्रकट होगा। ये सिर्फ घी खाने की वजह से नहीं है। अगर आप घी और कार्बोहाइड्रेट, घी और चीनी एक साथ खाते हैं तो ये फैट के रूप में जम जाता है। पर अगर आप सिर्फ घी खाते हैं या भोजन के पहले निवाले के साथ थोड़ा घी खाते हैं तो ये चिकनाई के रूप में ज्यादा काम करता है। जब घी अकेला शरीर में जाता है तो उसे पचाने की शरीर की क्षमता बहुत कम हो जाती है, पर जब ये किसी चीज के साथ मिलकर शरीर में जाता है तो ये फैट इकट्ठा करता है। तो सुस्त जीवन के लिए, आपके सवाल में सुस्त जीवन का मुद्दा था, जो तभी होता है जब आप उसे चीनी और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाते हैं, वरना घी आपको किसी भी तरह मोटा नहीं करता। ये आहार नली में एक चिकनाई वाले पदार्थ के रूप में ज्यादा काम करता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो सद्गुरु जी की ज्ञान से भरी बुक्स पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इसके लिए समय नहीं निकाल पाते, तो इसका भी एक समाधान है जिसका नाम है कुकू FM। दोस्तों, कुकू FM एक ऐप है जिसकी सहायता से आप सद्गुरु, योग और अध्यात्म से जुड़ी पुस्तकें अपनी लोकल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, चाहे आप सुबह योगा कर रहे हो, रास्ते में हो या फिर आराम फरमा रहे हो। और इतना सब कुछ आपको मिलता है दिन के सिर्फ 1 रुपए से भी कम दाम पर। साथ में वैलेंटाइन डे के मौके पर
पर कुकू एफएम की तरफ से एक ऑफर भी चलाया जा रहा है, जिसमें अगर आप दिखाए गए प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा पूरे 50% का डिस्काउंट। तो अगर आप अपने जीवन को एक सही और सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और डाउनलोड करें पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप जिसका नाम है कुकू एफएम। सुने कहीं भी कभी भी। ध्यान रखें, यह ऑफर सिर्फ 12 फरवरी से 15 फरवरी तक के लिए है।